हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं साई सिल्क, जिसे हम काला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है, वो सब चीजों से रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे इस कंपनी के बारे में। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बैंक जाने की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करनी है, चीजों को सीखने पे फोकस करना है। और सीखने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जाना है हमारे चैनल पे। जितनी भी वीडियोज है, जाके आप जितनी वीडियोज देखेंगे उसका फायदा आपको ही होता हुआ नजर आएगा। एक से बढ़कर एक वीडियोज बनाई गई है। यहाँ पर देखिए, ये 1 साल पहले यहीं पर इसी चैनल पे 90 रुपए के आसपास ये शेयर बताया गया था, 360 का आज हाई बनाया, 300% के रिटर्न 1 साल में बन गए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर चीजें बात की जाती है, आपको अंडर वैल्यू स्टॉक से रिलेटेड बातें की जाती है। तो आप सीख सकना चाहते हैं कैसे ये ढूंढते हैं, तो आप हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, एज वेल एज हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 25,000 रुपये में हम बेसिक टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, कब शेयर भागता है, क्यों भागता है, किस लिए भागता है, वो सारे आपको ज्ञान मिलेगा। 8868054051, 8169261037, इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिए। और साथ में यहाँ पर आप चाहो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत 50,000 रुपये हो जाएगी, सीधे डबल होती हुई नजर आएगी। और साथ में काम करना है तो भी आप यहाँ पर इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम यहाँ पर जानते हैं कि कैसे यहाँ पर ये शेयर जो होते हैं, ये किस तरीके से आपको यहाँ पर क्या काम करता है, और किस तरीके से इसके फंडामेंटल नजर आ रहे हैं। आज के दिन 6% भाग है, तो क्या है एग्जैक्टली? तो देखिए, ये फेस्टिवल सीजन आ रहा है, फेस्टिवल के साथ साथ बहुत जल्दी यहाँ पर अगर हम बात करें जो नॉर्थ इंडिया में हम बात करते हैं, तो देव, जैसे ही देव हमारे उठ जाएंगे तो शादी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही शादी होनी शुरू हो जाएगी तो क्या चीज यूज होती है, कपड़े। सर हम हर कोई यहाँ पर नए नए कपड़े यहाँ पर यूज करते हुए नजर आता है। तो ये जो कंपनी है साई सिल्क, ये एक साउथ डोमिनेटेड प्लेयर है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एथनिक एपेरल्स एज वेल एज वैल्यू फैशन प्रोडक्ट्स यहाँ बनाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। इनके खुद के स्टोर भी है, KLM फैशन मॉल और मंदिर एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके मॉल भी है, सॉरी मॉल इन द सेंस यहाँ पर इनके स्टोर भी है, ठीक है। साथ में ये कंपनी यहाँ पर काम भी करती हुई नजर आती है, लीडिंग टेक्सटाइल कंपनी है ये, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि इनके 54 तो स्टोर है, ठीक है, 12 यहाँ पर सिटीज में ये कवर करते हैं। और यहाँ पर केवल इंडिया में, साउथ इंडिया में बात करें तो तेलंगाना है ना, आंध्र प्रदेश, क्या यहाँ पर हम बात करें कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर अच्छा खासा ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। और ये शेयर की हम बात करें तो नया यहाँ पर शेयर है, ठीक है ना, कुछ टाइम पहले ही, ठीक है, ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया था, जो कि मैं यहाँ पर आपसे बात भी करूंगा। अच्छा खासा ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और दूसरी बात देखिए, बांग्लादेश में हुआ इशू, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर जितनी भी बांग्लादेश के टेक्सटाइल में बहुत आगे निपुण एक कंट्री था, ठीक है, जो कि अब खत्म हो चुका है, ये समझिए उनका डाउनफॉल चालू है। बट स्टिल हम बात करेंगे यहाँ पर जो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, वो धीरे धीरे शिफ्ट होके कहाँ पर आ रही है, इंडिया में आ रही है। और इंडिया में जितने भी प्लेयर है उसको यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो इस चीज को यहाँ पर आपको देखना होगा, इनके जो नंबर है ना आने वाले क्वार्टर में चेंज होते हुए नजर आएंगे। इसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम बात करें इस कंपनी की, यहाँ पर जाइए, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये एथनिकल वेयर्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 ईयर्स ऑफ रिच लेगेसी है इनकी, ठीक है। SSKL यहाँ पर आप देख सकते हैं, काला मंदिर के नाम से इसमें इस कंपनी को यहाँ पर जाना भी जाता है। साउथ डोमिनेंट है, एज वेल एज यहाँ पर देखिए मंदिर, वारा महालक्ष्मी, KLM फैशन, काला मंदिर है ना। तो ये सारे के सारे इनके क्या है, ये यहाँ पर इनके ब्रांड के नाम है, ठीक है। इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं तो इनके प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर क्या करना है, आप जाके यहाँ पर सर्च कर सकते हो और सर्च करके यहाँ पर इनके बारे में जान सकते हो। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2842 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। जब 2842 करोड़ की है, मतलब स्मॉल कैप। जब स्मॉल कैप की बात करूँ, दो चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, ठीक है, स्मॉल कैप, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, जब स्मॉल कैप की बात करूँ तो याद रखिएगा, जब शेयर गिरते हैं तो इस तरीके से गिरते हैं कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ये शेयर 2023 में आया था, हाई बनाया 300 का, और उसके बाद गिर गिर के ये शेयर 150 रुपए के आसपास और 180 के आसपास चल रहा है। तो मतलब 50 से 60-70% वेल्थ आपकी
खींच लेता है, और जब भागते हैं तो ऐसे ही शेयर कि यहाँ पर एक 150 वाला है, 150 वाला कब 1,000 रुपए पहुंच जाएगा आपको वो भी समझ में नहीं आएगा। तो सही टाइम पे लेना, सही टाइम पे बेचना वो बहुत जरूरी है, और हम अपने कोर्स में इसी चीज से रिलेटेड बातें करते हैं कि चीजों को कब लेना है और कब बेचना है। ठीक है, आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कंपनी का जो पी है 33 का है, इंडस्ट्री का पी 63 का है, तो यहाँ पर सस्ता नजर आता है। बट एज ऑलवेज आई सेड कि यहाँ पर पी के बेस पे काम नहीं करना, पी कुछ भी नहीं बताता, बट पी को इग्नोर भी नहीं करना, इस चीज को भी याद रखना है। यहाँ पर हम बात करें कंपनी, यहाँ पर डिविडेंड भी देती है, दो की फेस वैल्यू भी है, इंट्रेंसिक वैल्यू 125 की है, 185 पे शेयर चल रहा है, कोई प्लेजिंग नहीं है, 44% के आसपास का यहाँ पर डेट है कंपनी के ऊपर, रिटर्न टू एसेट 7% के आसपास है। तो ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर फंडामेंटल ऐसे चमत्कारी अभी नजर नहीं आए हैं, बट जैसे कि मैंने पहले स्टॉक वीडियो शुरू हुई थी तो मैंने दो चीज पे फोकस किया था। सबसे पहली बात कि यहाँ पर फेस्टिवल और वेडिंग सीजन आ, दूसरी बात कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहीं और से उठ के कहीं और आ रही है, तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो इनके रिजल्ट है आपको अच्छे नहीं लगेंगे, या तो साइडवेज से है या फिर कभी ज्यादा कभी कम है। और अभी की बात करें इस क्वार्टर की, तो वो यहाँ पर सेल्स वाइज आप देखोगे तो क्वार्टरली ईयरली दोनों वेज पे गिरता हुआ नजर आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी कम होता हुआ नजर आया है। बट याद रखिए, एक आध क्वार्टर के रिजल्ट ऊपर नीचे होने से, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी पैदा होती है, ना कि यहाँ पर बेकार चीजें पैदा होती है। ठीक है ना, अगर अच्छी कंपनी एक दो क्वार्टर बेकार रिजल्ट पेश करे तो समझना कि वहां पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि जब बेकार रिजल्ट आएंगे चीजें गिरेगी, और जब चीजें गिरेगी तो वहां पर क्या बनेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको नीचे खरीदने की। बट मैं ऐसी कोई राय नहीं देता, अपनी स्टडी खुद करनी है, इस चीज को याद रखिएगा। ईयरली बेस पे बात करें तो कंपनी ने ईयरली बेस पे काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। 2018 में जहाँ पर ये 700 करोड़ की सेल्स के आसपास थे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ के लगभग 1300 और 1400 करोड़ की सेल्स हो गई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 100 करोड़ और 86 करोड़ के आसपास यहाँ पर पहुंच गए हैं, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का अच्छा, मतलब ओवरऑल बात करें तो कंपनी क्या कर रही है, अच्छा खासा यहाँ पर काम कर रही है। एक दो क्वार्टर ऊपर नीचे होते रहते हैं क्योंकि इंडस्ट्री ही ऐसी है। बात करें यहाँ पर ईयरली बेस पे आप देखना चाहते हैं तो ईयरली बेस पे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बात करें रिजर्व्स की, तो कंपनी के रिजर्व्स यहाँ पर देखिए, कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़े और अच्छे बढ़ गए हैं, 1,000 करोड़ के रिजर्व्स हो गए हैं, जहाँ पर हम आप देखोगे तो 2,000 करोड़ की तो कंपनी है, तो अच्छे खासे रिजर्व्स से आने वाले टाइम में बोनस मिल सकता है। बोरिंग की बात करें कम होती हुई नजर आ रही है, पॉजिटिव बात है। 2 करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस, और कैश की बात करें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कंपनी के पास लगभग 400 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा हुआ है। तो कैश बढ़ रहा है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज यहाँ पर अच्छी खासी नजर आती है, तो इसे इग्नोर नहीं करना है। और चीजों की यहाँ पर बात करें तो कंपनी की यहाँ पर डिविडेंड देख सकते हैं, 1 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर दिया था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि प्रमोटर्स के पास लगभग 60% के आसपास की यहाँ पर होल्डिंग है। ठीक है, एफआई की होल्डिंग लगातार कम हुई है, जो कि एक नेगेटिव बात है, बट स्टिल 2% की होल्डिंग रखते हैं। डीआईएस की होल्डिंग की बात करें वो बढ़ती हुई नजर आई है, 19% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ रही है, 13% के आसपास है, बट चीजें जैसे ही सुधरेगी ना, पब्लिक की होल्डिंग कम और उनकी होल्डिंग दोबारा बढ़ती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि दीज आर द स्मार्टेस्ट पीपल, इस चीज को याद रखना। आज गोल्डन डेकेड ने, ठीक है ना, जब ये अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर सितंबर में बाई करी थी और उस प्राइस से नीचे चल रहा है शेयर, याद रखिएगा, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पर बाई करी है, उस प्राइस से नीचे चल रहा है, ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बाइंग करी है, 3% की होल्डिंग, उस प्राइस से नीचे चल रहा है, तो शेयर क्या है, नीचे चल रहा है। और अच्छे अच्छे फंड में यहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोटेक, यहाँ पर क्वांट, एचएसबीसी, इन सभी ने क्या कर रखा है, अच्छी खासी होल्डिंग लेके रख रखी है। बट मेरे कहने और किसी और के कहने पर नहीं लेना है, खुद की स्टडी करना है, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, ओपन 63rd स्टोर इन मदुरई तमिलनाडु, तमिलनाडु में यहाँ पर क्या कर रही है, ये अपने स्टोर को यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने स्टोर को यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 63, 5 सितंबर की ही बात है, ठीक है ना, यहाँ पर न्यू लॉन्च हुए इनके स्टोर से लेके, तो कंपनी क्या है, अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, अच्छी खासी बात है, इस चीज को याद रखना है। बात करेंगे टेक्निकल की, कि टेक्निकल क्या कह रहे हैं, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन ऑन करना है। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है, चीजों को सीखना है, वीडियोस देखिए, कोर्स करिए, काम करना है, साथ में नंबर है, काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए शेयर में लगातार गिरावट हुई है, ठीक है, और
क्या होता है, स्टेज 1 2 3 4 होती है, क्या होती है वो 1 2 3 4, हम यहाँ पर आप कभी ज्वाइन करेंगे कोर्स तो आपको यहाँ पर समझ में आएगी। लगातार गिरावट हुई है, स्टेज 4 थी, स्टेज 4 के बाद यहाँ पर स्टेज 1 चल रही है। अभी भी शेयर स्टेज 1 में है, क्या स्टेज 1 में चीजें खरीदते नहीं खरीदते, ठीक है, खरीदने की राय नहीं है, चीजों को यहाँ पर या तो इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर रुकने दीजिए, रुकने के बाद एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइएगा, तब यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और याद रखिएगा बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बट मुझे जो लगा नजर आ रहा है यहाँ पर कि बहुत जल्दी इस शेयर में कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है, कुछ ना कुछ होने वाला है। फिर भी अगर एक अच्छी बाइंग की बात करूं तो 200 रुपए के ऊपर ये शेयर टिके, ठीक है, 204 205 के ऊपर टिके रहे, तब यहाँ पर जब आप बाई करेंगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत जल्दी शेयर बढ़ रहा है। बट स्टिल जब हम बात कर रहे हैं लगभग जो यहाँ पर टारगेट है, ठीक है ना, टारगेट भी अच्छे खासे है, लगभग आप यहाँ पर देखेंगे ऑल टाइम हाई तक भी जाता है, तो 68% की होल्डिंग है। जब 68% की होल्डिंग है तो मतलब क्या है कि 68% के टारगेट यहाँ पर आ रहे हैं, तो चीजें थोड़ा सा टाइम ले सकती है, ठीक है, टाइम लेगी, बट जैसे ही स्टेज 2 में आएगी, और स्टेज 2 में मुझे लग रहा है 200 या फिर 220 के ऊपर जब ये शेयर चलना शुरू करेगा ना, तब आ जाएगा। रिस्क को प्रिफर करना है, कंपनी के एक आध दो रिजल्ट पे यहाँ पर ध्यान देना है, मुझे लगता है अभी तो नहीं भाग रहा, ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, बट जैसे ही अगले क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं, कंपनी कुछ अच्छा दिखा देती है, तो ये शेयर में जान आ जाएगी, और अच्छे खासे सब चीजों सब यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर बाई कर रखी है, तो ये चीज को भी हमें ध्यान देना है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद ये शेयर भागते हुआ नजर आएगा। वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, ध्यान देना, सीखना, पढ़ना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करना, ध्यान देना, तब आपको समझ में आएगा कि जब भी ये शेयर निकलेगा तो ये तबाही मचाएगा, आपके पैसे बनाता हुआ नजर आएगा। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीजों को सीखना है, सीखने के लिए बता चुका हूँ, काम करना है काम करिए, लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब करें, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।